पैसा कमाने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी अगर उसके पास पैसा नहीं टिकता और हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, तो इसका कारण घर में मौजूद वास्तु दोष हो सकता है। विज्ञान के अनुसार घर में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम अनदेखी कर देते हैं, लेकिन यही अनदेखी नुकसान और परेशानी की वजह बन सकती है। घर में कबूतर का घोंसला बनाना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ निशानी है। माना जाता है इससे घर पर बड़ी मुसीबत आती है, इसीलिए घर में कभी भी किसी भी पक्षी का घोंसला ना बनने दें। अगर घर में मधुमक्खी का छत्ता लगा है तो इसे तुरंत हटा दें। इसका घर में होना अशुभ सूचक होता है, इसकी वजह से कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मकड़ी का जाला घर में ना लगने दें, इसे भी अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे उलझन और परेशानियां बढ़ती हैं। घर में जहां पर भी दर्पण या टूटा शीशा हो, उसे घर से बाहर कर दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अक्सर धन की हानि होती है। घर में जहां भी दरार हो, उसे तुरंत मरम्मत करवा लें। साथ ही अगर दीवारों पर सीलन दिखे, इसे भी ठीक करवा लेना चाहिए। दरार और सीलन का होना धन हानि माना जाता है। आप ये सब उपाय करें और इससे अपने आप को तथा अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार।